जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार केंद्र सरकार के 36 मंत्री आज से संसदीय क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक स्तर तक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे लोगों से बातचीत कर स्थिति के बारे में जानेंगे और केंद्र की योजनाओं से हो रहे लाभ को लेकर तस्वीर स्पष्ट करेंगे। इस पहल के तहत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज जम्मू दौरे पर हैं और यह दौरा 24 जनवरी तक चलेगा। नया निवेश होगा, इंडस्ट्री की नई पॉलिसी बनाई जा रही है, 12,000 करोड़ तक का हो गया, 25,000 करोड़ हमारा टारगेट है। इन्वेस्टर समिट अप्रैल में होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके जो जो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं उनसे मिलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि जो स्थानीय व्यापारी हैं, आप कॉरपोरेशन के माध्यम से सबको इस बारे में अवगत कराए, उनके लिए भी मैंने प्रस्ताव रखा है कि कोई क्यूशन पीरियड दिया जाए नई व्यवस्था जब तक आती है। अब नई व्यवस्था को रोक हम सकते नहीं, जिस प्रकार से काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं कहूं कि मैं ही दुकान पर बैठा रहूंगा तो वो ऐसा नहीं होगा, परमात्मा ने उठा लेना, इसलिए हमने ये भी समझ। लेकिन उस दौरान हम अडेप्ट कर सके उसके लिए हमने निवेदन किया और उसको वो गंभीरता से सोच भी रहे कि किस प्रकार का एक कोई कवर दिया जाए या इंसेंटिव दिया जाए ताकि जब तक नई व्यवस्था के साथ उनकी अनुकूलता बनती है। पहली बार सेल्फ रूल क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, ये जम्मू कश्मीर वासियों को समझाने का काम मोदी जी ने किया है, डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है। और 73-74 अमेंडमेंट वो लग चुकी है, उसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है, कल एलजी ने भी कहा है। सीधी सीधी राशि 50 सरपंचों तक आई और टैक्सेशन की क्या प्राथमिकता रहे वो भी फैसला उन्हीं के द्वारा होगा कि कहां कितना टैक्स रहना चाहिए लोकल और कहां कहां उसका फंडिंग होगी।